Hi guys, welcome to Icon Online Classes. Social Science Classes by B.K. Sir. SS Notes of 8th Class. Lesson number 17, The Indian Constitution. Bhartiya Samvidhan. What is constitution? Samvidhan kya hai? A constitution is a body of principles and ideological tenets according to which a nation or an organization is governed. A constitution is a body of principles. सिद्धांतों की एक बॉडी है, आइडियोलॉजिकल टेंट्स, जो हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्श के जो सिद्धांत हैं उनकी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, ए नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक राष्ट्र और एक संगठन इज गवर्न्ड, उस पर शासन किया जाता है. व्हाट डज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन? व्हाट डज द प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना है टू द कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट, कौन सी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है वो क्या है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है संविधान की, कंटेंट्स उसमें है द फिलोसॉफी, दर्शन ऑन विच, जिसमें द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट, जिसमें संपूर्ण संविधान को का निर्माण किया गया है, उसे बनाया गया है. डिफाइन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को परिभाषित कीजिए. फेडरलिज्म एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, वन एट द सेंटर एंड अदर इन द स्टेट्स. फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है, एम्प्लाइज उसमें निहित है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के, इन द कंट्री, वन एट द सेंटर केंद्र में एंड अदर इन द स्टेट और दूसरा राज्य में. What is the union list? Union list क्या है? Name any two subjects. कोई दो subjects बताइए. Contained in it जो इसके अंतर्गत हैं. Union list contains subjects. Union list में subjects हैं. On which, जिसमें only the government, central government has the authority, जिसमें authority है, अधिकार है, to form the laws, कानून बनाने के. Defence, रक्षा and foreign affairs के आर टू सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं विच आर इंक्लूडेड, जो सम्मिलित हैं इन द यूनियन लिस्ट में. व्हाट आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर? व्हाट आर द टू बेसिक फंक्शन क्या है ऑफ द लेजिस्लेचर? फंक्शन के टू बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर हैं, इट मेक्स लॉस, या कानून बनाता है उन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट का. फाइनेंशियल कंट्रोल, जिस पे फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है हमारा. Write any two points of significance of the Indian Constitution के दो महत्व की बातें लिखिए. Two points of significance of the Indian Constitution वो ये निम्न है. The governance of the country is carried out on the basis of the Constitution. जो governance है of the country, देश का जो सरकार है वो चलती है on the basis of the Constitution, संविधान के आधार पर. It defines the power of central and state government. यह परिभाषित करती है केंद्र और राज्य की सरकार की शक्तियों को and the rights of the citizen और नागरिकों के अधिकारों को. Write a brief note on the Constituent Assembly पर एक छोटा नोट लिखिए. The Constituent Assembly, the Constitution of India was convened, debated upon and drafted by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, वाज कंसीव्ड, वो बनाया गया, डिबेटेड उस अपॉन, जिस पे बहस हुई, एंड ड्राफ्टेड, जिसका निर्माण हुआ बाय एन असेंबली के द्वारा ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, संविधान निर्मात्री सभा कहते हैं. द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वर हेल्ड, उसे आयोजित किया गया इन जुलाई 1946 में. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड, इसकी पहली मीटिंग आयोजित हुई थी इन दिसंबर 1946 में. द असेंबली हैड 299 मेंबर्स, इस असेंबली में 299 सदस्य हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट.
डॉक्टर अजंत प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे एंड डॉक्टर वी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे. इट टुक नियरली 3 ईयर्स और इसने लगभग 3 साल लिए टू स्टडी एंड डेलीबरेट करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, डिबेटेड अपॉन ईच एंड एवरी क्लोज ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस बनाए हुए संविधान पर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वॉज फाइनली अडॉप्टेड और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अंत में अडॉप्ट किया गया बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन नवंबर 26, 1946 को एंड इट वॉज देन इम्प्लीमेंटेड और फिर ये लागू हुआ ऑन जनवरी 26, 1950 में. वॉट डू द टर्म्स ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर मीन, एक्सप्लेन. वॉट डू द टर्म्स, जो सोशलिस्ट समाजवादी और जो सेकुलर मीन है उसका मतलब क्या है. द टर्म सोशलिस्ट एम्प्लाइज दैट, ये लागू होता है दैट द कंट्री सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, से मुक्त होती है एंड देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी इनइक्वालिटी, और उसमें कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती है इन इनकम एंड सोशल स्टेटस में. द टर्म सेकुलर, जो टर्म सेकुलर मीन्स का मतलब होता है दैट द स्टेट शैल ट्रीट, ये ट्रीट करेगा ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्मों को इक्वली समान रूप से, एंड वुड नॉट प्रमोट, और प्रमोट नहीं करेगा और एनकरेज नहीं करेगा एनी स्पेसिफिक रिलीजन को, धर्म को, एज इट्स ओन, जैसे स्वतः ही इसका. ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू फॉलो, सभी जो नागरिक हैं उनके पास स्वतंत्रता होती है फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की एंड प्रीच, उपदेश देने की देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन को, उनके धर्म को बारे में. डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रीफ, वर्णन कीजिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को इन ब्रीफ, संक्षेप में. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स, जैसे लेजिस्लेचर है एक तो विधान पालिका, एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका ऑफ द गवर्नमेंट की होती है. फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के क्या कार्य हैं. द बेसिक फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज, कानून बनाना है, एंड टू इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशन और नए लेजिस्लेशन बनाना है इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में. फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के कार्य है. द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू एग्जीक्यूट करना है एंड इम्प्लीमेंट, लागू करना है द लॉज लेड आउट बाई द लेजिस्लेचर, जो कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए विधान पालिका के द्वारा. फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका के कार्य. द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट करती है वेरियस लॉज को एंड रूल्स, नियमों को. वॉट आर द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम, एलोबरेट. कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं बताइए. राइट टू फ्रीडम इज ए क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स, कई आपके अनेक अधिकारों का समूह है. दीज इंक्लूड, इसमें सम्मिलित हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल और आपके एक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और फ्रीडम एक स्वतंत्रता बनाने की एक एसोसिएशन एंड यूनियंस, एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, एंड फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, और एक आपकी स्वतंत्रता प्रैक्टिस करने की एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को करने की आपकी स्वतंत्रता. ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय.